फ्रेंड्स, अभी मेरे लोअर बैक में हीट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन है, मैं मशीन देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, मुझे तो दिख नहीं रहा है। नीता मैम, यहाँ पे रीडिंग, जितने भी रीडिंग, जो भी रीडिंग आ रहा है आप देख सकते हैं, और मैं भी देखूँगा वीडियो के सारे। यहाँ पर अभी मुझे कहा गया कि हीट देने को कहा गया है लोअर बैक में, और बेल्ट प्रेस्क्राइब किया गया है, सर ने बेल्ट प्रेस्क्राइब किया है, और कहा है कि एक्सरे में तो कुछ नॉर्मल है, एक्सरे में तो कुछ उनको पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा था MRI के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद MRI करवाएंगे, देखेंगे अगर नहीं होता है कुछ इम्प्रूवमेंट। उन्होंने रेस्ट करने को कहा है, और ये पता नहीं किस चीज़ का साउंड निकल रहा है, कोई स्टाफ भी नहीं है। यहाँ देख सकते, ये आंटी है, कंप्लीट हो गया। हीट दिया गया, लोअर बैक पे हीट दिया गया, आप देख सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। पता नहीं कब तक इसको झेलना पड़ेगा, कब तक ठीक होगा ये। दोस्तों, कमर पे हीट दिया गया, फिजियोथेरेपी के यहाँ पर डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के यहाँ भेजा था, और कमर पे जो है लोअर बैक पे हीट दिया गया, उससे थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हीट के वजह से पेन हमको फील नहीं हो रहा मुझे, और देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट वीक में फिर आने के लिए बोला गया, या कल भी आने के लिए बोला गया है। जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज है वो अभी नहीं बताया एक्सरसाइज उन्होंने, उन्होंने कहा कि पहला दिन नहीं बताते, पहले दिन एक दो दिन के बाद जो है फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज बताएंगे मुझे, तो कल आने के लिए फिर बोले हैं। और डॉक्टर ने बुलाया है एक हफ्ते के बाद, उन्होंने बोला है फिर आने के लिए, उस समय शायद वो MRI प्रिस्क्राइब करेंगे, MRI करने को बोलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। कि आप देख सकते हैं, हम लोग किशनगंज के MGM कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में।